एक्सेल का कुछ महत्वपूर्ण शॉर्टकट की बताएंगे। चलिए देखिए, अगर एक्सेल का जितना डेटा है आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, आसानी से कंट्रोल ए करके सेलेक्ट कर सकते हैं, और उसे कॉपी करना चाहते हैं तो कंट्रोल सी, और कहीं भी प्रेस करें कंट्रोल वी। हो गया। अब इसे जो सेलेक्ट किए डेटा उसे डिलीट करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं तो डिलीट बटन प्रेस करके हटा सकते हैं आसानी से, राइट क्लिक करके ये पूरा प्रेस कर सकते हैं। और अब चाहते हैं कि आपको बोल्ड करना चाहते हैं, जितना डेटा आपने बनाया उनको बोल्ड करना चाहते हैं तो कंट्रोल ए से पहले सेलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल वी से बोल्ड कर लेंगे। अगर इसे तिरछा करना चाहते हैं थोड़ा से तो कंट्रोल आई करके इटैलिक कर सकते हैं, और इसे सब बैक आना चाहते हैं हट जाए कंट्रोल जेड से अंडो कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि जितना डेटा है इसे ऐड करना चाहते हैं, इस डेटा को एक बार में ही ऐड करना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं तो आल्ट और प्लस बटन को प्रेस करेंगे, आल्ट और प्लस बटन को इस पे क्लिक करेंगे, आल्ट और प्लस बटन को प्रेस करेंगे और इंटर कर देंगे, एक बार में जितना डेटा है सबका सम नीचे आ जाएगा। रो या कॉलम को इंसर्ट करने के लिए, रो या कॉलम को इंसर्ट करने के लिए आपको करना है, रो इंसर्ट करते पहले कंट्रोल शिफ्ट और प्लस बटन को प्रेस करेंगे, देखिए इंसर्ट हो जाएगा। हटाने के लिए जो किसी भी रो को हटाने के लिए कंट्रोल माइनस करेंगे, उसे सेलेक्ट करके कंट्रोल माइनस प्रेस करेंगे हट जाएगा। उसी तरह से ये भी है, कॉलम को इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस को प्रेस करेंगे तो इंसर्ट हो जाएगा, हटाने के लिए कंट्रोल माइनस हट जाएगा, सेलेक्ट जो सेलेक्ट रहेगा वो हटेगा। अब देखिए किसी सेल को एडिट करने के लिए F2 बटन प्रेस करके एडिट कर सकते हैं, या डबल क्लिक करके भी आसानी से कर सकते हैं। फिल्टर अप्लाई करने अगर किसी भी शीट में फिल्टर अप्लाई करना है, जो आपने टेबल बनाया है फिल्टर अप्लाई करना है तो कंट्रोल शिफ्ट L बटन प्रेस करें, कंट्रोल शिफ्ट L, देखिए फिल्टर अप्लाई हो गया। अगर सेल रो और कॉलम को हाइड करना चाहते हैं तो रो को हाइड करने के लिए कंट्रोल 9 बटन को प्रेस करेंगे तो हाइड हो जाएगा, अब कंट्रोल शिफ्ट 9 को प्रेस करेंगे तो अनहाइड हो जाएगा। उसी प्रकार कॉलम को हाइड करना चाहते हैं कॉलम को, तो कंट्रोल 0 बटन प्रेस करेंगे हाइड हो जाएगा। उसी तरह बैक आ जाएंगे कंट्रोल जेड करके। अब चाहते हैं कि फिल्टर को हटाना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट और एल प्रेस करेंगे हट जाएगा। अब एक सीट से दूसरे सीट में जाना चाहते हैं तो कंट्रोल पेज अप बटन प्रेस करके आप नेक्स्ट सीट में जा सकते हैं, और बैक आने के लिए पेज अप बटन का प्रेस करके आ सकते हैं आसानी से। अगर चाहते हैं कि एक एक करके सेल को सेलेक्ट करना चाहते हैं, एक एक करके जैसे 1 2 3 एक एक करके सेलेक्ट करना चाहते हैं तो शिफ्ट बटन प्रेस करके एरो शिफ्ट राइट एरो डाउन एरो करके एक एक करके कर सकते हैं। अगर चाहते हैं कि कंट्रोल शिफ्ट जितना आपने लेफ्ट तरफ राइट की तरफ जितना डेटा उसे सेलेक्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो को प्रेस करेंगे, जितना डेटा होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा, और डाउन एरो प्रेस करके कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो को जितना नीचे का डेटा सब एक ही बार में सिलेक्ट हो जाएगा। अब टाइम या डेट को इंसर्ट करना चाहते हैं, टाइम या डेट को इंसर्ट करना चाहते हैं, टाइम को इंसर्ट डेट को इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल और कॉलम को प्रेस करेंगे, कंट्रोल और सेमी कॉलम को प्रेस करेंगे तो इंसर्ट हो जाएगा डेट। टाइम को इंसर्ट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट और कॉलन बटन को प्रेस करेंगे तो हो जाएगा आसानी से।